दैत्यों से घिरी हुई उस नीली रोशनी वाली वस्तु के पास आखिरकार आर्यमान पहुंच गया था। उस वस्तु को देखने के बाद अब आर्यमान को यह यकीन हो गया था कि वो ब्रह्मयंत्र ही है, लेकिन वो वस्तु पूरा का पूरा ब्रह्मयंत्र नहीं था। दरअसल वहां पर सिर्फ ब्रह्मयंत्र का एक टुकड़ा था और उसे देख आर्यमान भी ये समझ गया था कि ब्रह्मयंत्र के टूटने से जुड़ा नैना को आया सपना सच था। ब्रह्मयंत्र के उस टूटे हुए टुकड़े को देखने के बाद अब आर्यमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। आर्यमान के मन में अब ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब उसे मिलना नामुमकिन जैसा लग रहा था। अगर ये ब्रह्मयंत्र का सिर्फ एक टुकड़ा है तो फिर आखिरकार ब्रह्मयंत्र के बाकी टुकड़े कहां गए? ब्रह्मयंत्र के कितने टुकड़े हुए हैं मुझे तो ये भी नहीं पता है। और फिर अगर ब्रह्मयंत्र यहां पर पूरा नहीं है तो क्या मुझे इससे शक्ति और ऊर्जा मिलेगी? क्या अब मैं और जिंदा रह पाऊंगा या फिर मेरा दो चार दिनों में मरना तय है? ब्रह्मयंत्र के उस टुकड़े को देख आर्यमान के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आर्यमान को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। तभी अचानक से आर्यमान को ऐसा आभास होता है जैसे ब्रह्मयंत्र का वो टूटा हुआ टुकड़ा उससे बात कर रहा है। कैसे हो आर्यमान? क्या वो काम तुम ठीक से कर रहे हो जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें मिली थी? ब्रह्मयंत्र के उस टूटे टुकड़े का यह सवाल सुन आर्यमान तुरंत हाँ हाँ में सर हिलाता है और उससे कहता है, हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूं, लेकिन ब्रह्मयंत्र के साथ ये क्या हुआ है? आखिर ब्रह्मयंत्र इस तरह से टुकड़ों में कैसे बदल गया है और ब्रह्मयंत्र के अन्य भाग कहाँ हैं? आर्यमान का यह सवाल सुन ब्रह्मयंत्र के टुकड़े से आती हुई वह आवाज उससे कहती है, ब्रह्मयंत्र के साथ क्या हुआ आर्यमान और मेरे जैसे अन्य टुकड़े कहाँ हैं? इसकी जानकारी तो खुद मुझे भी नहीं है, इसलिए इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही हासिल करना होगा। और कहीं ना कहीं तुम जानते भी हो कि आखिर तुम्हें इसका जवाब कहां मिलेगा। हाँ, तुम्हारे मन में अगर और कोई सवाल है तो तुम उसका जवाब मुझसे जान सकते हो। उस आवाज का ये जवाब सुन आर्यमान उससे कुछ सोचते हुए कहता है, ब्रह्मयंत्र के मुझसे दूर होने के बाद मेरी अधिकतर शक्तियां भी मुझसे दूर हो गई थी। इसके बाद मैं किसी तरह अपनी शक्तियों को इंसानों की तरह बढ़ा रहा था, लेकिन आज से 11 दिन पहले हुए एक विस्फोट के बाद मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है और कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु होनी पक्की है। ब्रह्मयंत्र के मिलने से मुझे ये उम्मीद थी कि मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी और मेरा जीवन काल भी बढ़ जाता, लेकिन अब बस ब्रह्मयंत्र के एक टुकड़े से क्या होगा? क्या अब भी मुझे मेरी शक्तियां मिलेंगी या फिर मेरा मरना अब निश्चित है? आर्यमान के इन सवालों को सुन ब्रह्मयंत्र का वो टुकड़ा उससे कहता है, तुम्हारे मन में उठ रहे ये सवाल बिल्कुल जायज है आर्यमान। वैसे तुम्हारा शक सही है, ब्रह्मयंत्र के टूट कर बिखरने के बाद से उसके हर टुकड़े के पास पूरे ब्रह्मयंत्र जितनी तो शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मयंत्र की पूरी शक्तियां अब तब तक वापस नहीं आएंगी जब तक ब्रह्मयंत्र के सारे टुकड़ों को जोड़ न दिया जाए। एक दूसरे से अलग ब्रह्मयंत्र के हम सभी टुकड़े अब उतने ताकतवर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है आर्यमान। ब्रह्मयंत्र का वो टुकड़ा अभी खुद के उतने ताकतवर ना होने की बात कर रहा था और अब वो आर्यमान को एक खुशखबरी देने के लिए कह रहा था। उसकी बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, मेरे लिए खुशखबरी? जिस आर्यमान की जान अब से 4 दिनों में जाने वाली है, जिसने नैना से किया उसके बदला लेने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया है, उसके लिए आपके पास क्या खुशखबरी है? आप तो पहले मना ही कर चुके हैं, आप मेरी ताकत को वापस नहीं ला सकते हैं, फिर आप क्या ही खुशखबरी मुझे देंगे? आर्यमान को यूं निराशा से घिरा देख ब्रह्मयंत्र का वो टुकड़ा उससे कहता है, मैंने कहा है मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें जीवन देने से कहां मना किया है? आर्यमान, मैं तुम्हारी ताकत तो नहीं बढ़ा सकता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। मेरी ऊर्जा के प्रभाव से अब तुम जिंदा तो रहोगे और तुम्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा भी मिलती रहेगी, लेकिन ये ऊर्जा तुम्हारे पहले की ऊर्जा से बहुत कम होगी आर्यमान। इसलिए तुम्हें अपनी ताकत तथा पहले जितनी ऊर्जा अपनी बदौलत ही हासिल करनी होगी, या फिर तुम्हें इसके लिए ब्रह्मयंत्र के सभी टुकड़ों को खोजकर उन्हें जोड़ना होगा। अब फैसला तुम्हारा है आर्यमान, क्या आखिर तुम आगे क्या करोगे? ब्रह्मयंत्र के उस टुकड़े से जान बचाने की बात सुनने के बाद आर्यमान राहत की सांस तो लेता है, लेकिन अपनी शक्तियों के जाने का गम तथा उसे वो दोबारा नहीं मिलने की वजह से आर्यमान काफी निराश भी था। अगर मैं बिना शक्ति के यहां से जाता हूं
तो ब्रह्मयंत्र के बाकी टुकड़ों को खोजने के लिए भी मुझे ताकत तो हासिल करनी होगी। मुझे शक्ति हासिल करने के लिए अब साधारण इंसानों की तरह आगे बढ़ना होगा ब्रह्मयंत्र। अगर ऐसा है तब तो अब मुझे एक साधारण इंसान की तरह नए सिरे से सब कुछ शुरू करना होगा। क्या अपनी शक्तियों को फिर से बढ़ाने के लिए मैं दिव्य औषधियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? आर्यमान का यह सवाल सुन ब्रह्मयंत्र का वो टुकड़ा उससे कहता है, तुम्हारे यहाँ रहने के बाकी सारे नियम और शर्त पहले की तरह हैं। इसका मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यमान, मुझे अब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है। ब्रह्मयंत्र का यह सवाल सुन आर्यमान उससे आगे और भी कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही दैत्यों का सेनापति उससे कहता है, क्या हुआ? तुम इस तरह खड़े होकर बस इसे घूरे क्यों जा रहे हो? तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये वस्तु क्या है और क्या ये हमारे लिए खतरनाक है या नहीं? दैत्यों के सेनापति के द्वारा बीच में बोले जाने के साथ ही आर्यमान का ब्रह्मयंत्र के उस टुकड़े से संपर्क टूट जाता है और अब आर्यमान एक बार फिर से उन दैत्यों के सामने खड़ा था। आर्यमान को अब ये तो पता चल चुका था कि ब्रह्मयंत्र के इस टुकड़े की वजह से उसकी मौत टल गई है, लेकिन आर्यमान ये भी जान चुका था कि उसे अपनी शक्तियां अब नए सिरे से हासिल करनी होगी या फिर उसे ब्रह्मयंत्र के सभी टुकड़ों को जोड़ने के बाद ही शक्तियां मिलेंगी। आर्यमान ने ब्रह्मयंत्र के वहां होने की उम्मीद में दैत्यों के सामने से निकलने की कोई योजना ही नहीं बनाई थी। मुझे लगा था ये ब्रह्मयंत्र है और ब्रह्मयंत्र के मिलने के बाद मेरी ताकत तो मुझे वापस मिल ही जाएगी, फिर मैं इन दैत्यों के सामने से आसानी से वापस जा सकता था, लेकिन अब तो मुझे मेरी ताकत मिली ही नहीं है, फिर मैं यहां से वापस कैसे जाऊंगा? यही सोचते हुए आर्यमान चुप था। आर्यमान को यूं चुप देख वो दैत्य का सेनापति उससे दोबारा कहता है, क्या हुआ? तुम इस तरह से चुप क्यों हो? क्या तुम हमें बताओगे कि आखिर ये वस्तु क्या है या फिर हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा? उस दैत्य की ये बात सुनने के बाद आर्यमान उससे कहता है, मैं इस वस्तु के तत्वों की जांच कर रहा था। मुझे इसे देखने के बाद इसका विश्लेषण करना था कि आखिर ये वस्तु क्या है, और अब मुझे इसके बारे में पता चल चुका है। ये वस्तु एक बेहद ही खतरनाक पत्थर है जो शायद अंतरिक्ष से यहां पर चला आया है। आर्यमान से अंतरिक्ष तथा पत्थर का जिक्र सुन वो दैत्य आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तभी आर्यमान उनसे आगे कहता है, इस पत्थर में भारी मात्रा में विस्फोटक है और ये इतना छोटा होने के बाद भी अपने विस्फोट से इस पूरे अमृत पहाड़ को नष्ट कर सकता है। अब अगर आप लोग इसे यहां से भेजना चाहते हैं तो ये निर्णय आपका है। आर्यमान की इन बातों को सुनने के बाद दैत्यों का सेनापति सोच में डूबा हुआ था और वो कुछ सोचते हुए आर्यमान से कहता है, ऐसा लग तो रहा है जैसे तुमने इसका सही विश्लेषण किया है, क्योंकि यह कुछ दिनों पहले आसमान से ही यहां गिरा था और तब से इससे नीली रोशनी तथा धुआं निकल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी बातें न जाने क्यों झूठी लग रही है। मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। नीली रोशनी और धुआं, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही जगह से रंगीन धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था और वो भी उस मानवर गब्बर ने अपनी वजह से निकलने की बात कही थी। फिर ब्रह्मयंत्र से निकला धुआं हमें आखिर दिखाई क्यों नहीं दिया, और क्या ब्रह्मयंत्र तथा वो गब्बर यहां पर एक साथ आए थे? आर्यमान के मन में ऐसे कई सवाल इस वक्त उठ रहे थे, लेकिन आर्यमान के लिए अभी इन सवालों का जवाब जानने से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था। उस दैत्यों की बातों को सुन आर्यमान अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ले आता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो इस वस्तु को यहीं छोड़कर मैं वापस जा रहा हूं। अब इससे आगे क्या करना है और इसमें होने वाले विस्फोट के बाद तुम खुद को तथा अपने साथियों की जान कैसे बचाओगे ये तुम देख लो। इतना कह आर्यमान एक बार फिर से वहां जाने के लिए निकलने लगता है। आर्यमान की बातों को सुनने के बाद वहां मौजूद बाकी दैत्य काफी डर गए थे, इसलिए वे तुरंत अपने सेनापति से आर्यमान को रोकने का निवेदन करते हैं। अमृत पहाड़ के खत्म होने की बात सुनने के बाद दैत्यों के सेनापति के मन में भी डर बैठा हुआ था और वो तुरंत ही आर्यमान को रोकते हुए उससे कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे यहां से इसे ले जाने के दौरान कोई हादसा तो नहीं होगा ना? मैं अपने किसी भी साथी की जान अब खतरे में नहीं डालना चाहता हूं। ब्रह्मयंत्र के पास आने के बाद आर्यमान को उसकी ताकत भले ही नहीं मिली थी, लेकिन उसे ऐसा जरूर लगने लगा था जैसे ब्रह्मयंत्र उसके लिए किस्मत की नई चाबी लेकर आ गया है। आर्यमान का झूठा दांव दूसरी बार कामयाब हो गया था और अब वे दैत्य खुद चाहते थे कि आर्यमान यहां से उस नीली रोशनी वाले पत्थर को लेकर वापस जाए। दैत्यों के सेनापति की बात सुनने के बाद आर्यमान किसी तरह अपनी खुशी छिपाते हुए
अपने जेब से कपड़े का एक टुकड़ा निकालता है और ब्रह्मयंत्र को तुरंत उस टुकड़े में लपेटते हुए दैत्यों के सेनापति से कहता है, चिंता मत करो, अब चाहे मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं इसे इस अमृत पहाड़ पर नहीं रहने दूंगा। ब्रह्मयंत्र का वो टुकड़ा महज किसी अंगूर के जितना बड़ा था, लेकिन उससे निकल रही रोशनी और उसके आसपास महसूस हो रही ऊर्जा ने दैत्यों को काफी डरा दिया था। आर्यमान के द्वारा उसे उठाकर यूं अपने पास रखते देख वो दैत्य राहत की सांस लेते हैं। ब्रह्मयंत्र के उस टुकड़े को अपने पास रखने के बाद आर्यमान भी वहां ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं समझता है और वो तुरंत वापस नीचे आने की अपनी यात्रा शुरू कर देता है। पहाड़ों पर ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे उतरना आसान होता है और इसलिए आर्यमान नीचे काफी तेजी के साथ उतर रहा था। आर्यमान को अब जो भी समय लग रहा था वो उन पहाड़ों के बाद आने वाले जंगलों को ही पार करने में लग रहा था। आर्यमान को जहां अमृत पहाड़ की छठी चोटी तक जाने में 11 दिनों का समय लग गया था, वहीं ब्रह्मयंत्र के उस टुकड़े से मिल रही थोड़ी बहुत ऊर्जा तथा नीचे उतरने में हो रही आसानी की वजह से आर्यमान तीसरे पहाड़ तक महज 3 दिनों में पहुंच गया था। पूर्णिमा आने में अभी 1 दिन का समय बचा था और आर्यमान 14वें दिन ही वहां पहुंच गया था, जहां पर उसने पिशाच वैद्य तथा गब्बर को छोड़ा था। पिशाच वैद्य तथा गब्बर भी कल ही यहां पहुंच गए थे और फिर उन्हें आर्यमान के वहां आने का इंतजार था। आर्यमान को सही सलामत तीसरे पहाड़ से नीचे उतरते देख पिशाच वैद्य काफी उत्साह के साथ उसका स्वागत करता है। कैसे हो आर्यमान, तुम ठीक तो हो? इतने दिनों में हमने तुम्हें बहुत याद किया है। पिशाच वैद्य की बातों को सुन आर्यमान भी उससे मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया पिशाच वैद्य, वैसे तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान देख मुझे समझ आ गया है, तुम्हें वो दिव्य वृक्ष तथा उससे आदिबाहु के इलाज के लिए फल मिल चुका है, इसलिए अब हम बिना रुके अपने वापस जाने की यात्रा तुरंत शुरू करेंगे। पिशाच वैद्य, हमें आज दिन तथा रात को लगातार यात्रा करनी है और कल सुबह से पहले हमें अमृत पहाड़ से नीचे उतर जाना है। आर्यमान की बातों को सुन पिशाच वैद्य तथा गब्बर वापस जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वापस जाने के लिए वे सभी लोग अब निकलने ही वाले थे, तभी गब्बर आर्यमान से कहता है, यहां से जाते वक्त तुम काफी उदास थे, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा यूं चमक क्यों रहा है? गब्बर के इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए आर्यमान उससे कुछ भी नहीं कहता है और आगे बढ़ना जारी रखता है। आर्यमान ने गब्बर के सवाल को तो नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वो गब्बर को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। क्या गब्बर तथा ब्रह्मयंत्र यहां पर साथ आए थे? अगर ब्रह्मयंत्र यहां गब्बर के साथ नहीं आया था तो उसका एक टुकड़ा अमृत पहाड़ पर कैसे पहुंचा और उसके बाकी टुकड़े कहां गए? इसी बात को सोचते हुए आर्यमान गब्बर को देख रहा था और आगे बढ़ा चला जा रहा था। ब्रह्मयंत्र से जुड़े अपने अन्य सवालों के जवाब के लिए अब आगे क्या करेगा आर्यमान? ब्रह्मयंत्र के बाकी टुकड़ों को कैसे खोजेगा आर्यमान और माणिक द्वीप में क्या हो रहा है नयन तथा नयना के साथ?